हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ पता नहीं, लेकिन हाँ कोई भी हो तो लिप्स वॉल हम फिर से खेलने वाले हैं। आपको ये गेम प्ले देखा होगा। और मेरे गाइस, स्टूडेंट के लाइफ में सिर्फ दो ही दो दुख होते हैं, पहला एग्ज़ाम स्टार्ट होने का और दूसरा एग्ज़ाम ख़त्म होने का। मैं ये क्या बोल दिया मैंने, मतलब होता है। हाँ, पहला जो लोग होते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद दुख होते हैं, वो उसमें मैं हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम बिल्कुल भी पसंद नहीं हुए। तो हाँ, हम गेम स्टार्ट करते करते मेरे बकवास भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए, तो हाँ मुझे एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरे लोग होते हैं जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दुख होते हैं, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पता नहीं क्यों दुख होते हैं, किस बात की दुखी होती है। आग का गोला हमें नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ओके, नो थैंक्स, नेक्स्ट। ये हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता है, जैसे कि डोंट गिव अप, ये हमेशा हमें मोटिवेट करता रहा है। इसलिए हमें हमेशा सीखना चाहिए कि हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। या बकवास कर रही हूँ मैं भी। तो हाँ, तो आप इन दोनों में से कौन से हैं आप बता देना। तो मेरे कल से, मतलब कल से आइए वीडियो, तो मैं फोर्थ को बना रही हूँ। तो मेरे एग्ज़ाम से फिफ्थ से, आपका एग्ज़ाम कब से है आप बता देना। चलिए, चलो बढ़ते जाओ। और मैं गिर गई। अरे यार, चलो कोई नहीं। तो हाँ, तो पहला एग्ज़ाम होता है लैंग्वेज का। पहले दो एग्ज़ाम्स लैंग्वेज का होता है, फिर मैथ्स का दो एग्ज़ाम्स होता है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है। तो हाँ ऐसे ही। तो आज अभी कॉलेज गई नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं इससे पहला वीडियो मेरा कौन सा अपलोड होगा, वो हाँ रॉबरी बॉब का। तो हाँ, तो ये मेरा दूसरा गेम है। तो मैं पता नहीं क्यों फास्ट फास्ट जा रही हूँ, मेरे बातें भी बहुत फास्ट फास्ट जा रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम्स का मौसम ना बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। मैंने अभी अभी मेरे प्रैक्टिकल्स कुछ जो होते हैं ना, रिकॉर्ड्स, वो सब, अगर रिकॉर्ड्स का मतलब नहीं है पता है तो अब वो क्या बोलते हैं, वो असाइनमेंट समझ लेना। हाँ, असाइनमेंट की तरह ही होता है, लिखना होता है, डायग्राम्स होता है, वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, 20 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं। तो हाँ, वो अगले मंथ में होगा, अगले मंथ का मतलब फरवरी में। तो इस फरवरी तो बहुत बिजी होने वाला है। बिजी क्यों होने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, मतलब आगे भी नहीं, पूरा पीछे। मार्च का जो एग्ज़ाम था वो पूरा पीछे करके फरवरी में कर दिया। मैं एग्ज़ाम्स की बातें क्यों कर रही हूँ, आपको मन क्यों है इतना अपसेट करवा रही हूँ मैं भी। तो हाँ, क्योंकि मेरा दुख भी कोई सुने ना, तो आप सब है ना मेरा दुख सुनने के लिए, इसलिए। तो चलिए, अगर ये एग्ज़ाम नहीं होते तो बहुत अच्छा होता, मुझे लग रहा था। अगर नॉर्मल टेस्ट होते तो ओके, इट्स फाइन, उसमें मार तो पड़ती ही पड़ती है। और ये नाइंसाफी तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में तो मार पड़ते ही है मार हमें, फिर एग्ज़ाम्स होने के बाद फिर मार पड़ता है। मतलब क्या मार खाने के लिए तो थोड़ी कोई जाता है कॉलेज। कोई नहीं, चलो। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं ये लेवल, मैं बहुत फास्ट ही खेल रही हूँ ना, तो इसलिए शायद जा रहा है। चलो, लग गया। ओ आग के गोले, मेरे जो एंगर नहीं है, प्यारा सा गुस्सा है, क्योंकि मुझे लिखना एकदम लेजी हूँ मैं, पता नहीं क्यों हूँ पर हूँ। शायद आपके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर मेरे व्यूवर्स में कोई कॉलेज का है या स्कूल का है, तो आपका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं शायद।
चलिए अभी इधर से धीरे धीरे जाना है हमें। चलो चलो। ओ गिर गई, गिर गई, फिसल गई मैं। मुझे वहाँ रुक कर जंप करना था। कोई नहीं, अभी धीरे से खेलेंगे, इस लेवल को हम पार करेंगे। कई लोग फास्ट खेलते हैं, कई लोग बहुत ही फास्ट होते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बहुत स्लो खेलती हूँ। आप देख सकते हो जैसे मैं फास्ट खेलती हूँ मैं गिर जाती हूँ, तो इसलिए। कितनों ने इस गेम को खेला है, नहीं खेला है कमेंट कर देना, ठीक है? अगर खेले हो तो कितने लेवल्स खेल लिए बोल देना ये भी। और कोई ट्रिक्स देना चाहते हो इस गेम के लिए तो मुझे बोल देना, मैं इम्प्लॉय करूँगी इसमें। मेरे बहुत भारी भारी इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिया पता नहीं क्यों। अभी तो लाइफ बहुत सिंपल लग रही है, पता नहीं क्यों इस कॉलेज लाइफ में एकदम लाइफ अलग दिखती है। हाँ सच में, मैं कुछ आज कुछ अडल्टली बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब कॉलेज लाइफ शुरू होती है ना, उसकी अलग ही एक मीनिंग होती है उस स्टेज की। स्टेज की फीलिंग हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में अपना फ्रेंड सर्कल एकदम बदल जाता है। जैसे इसमें लेवल्स बढ़ते रहेंगे, वैसे कॉलेज लाइफ में बहुत, मतलब बहुत बहुत चेंजेस आते हैं। 5 मिनट में आपका जो दोस्त है, जिगरी दोस्त रहेगा, बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो 5 सेकंड में आपका दुश्मन बनने पर इतना टाइम भी नहीं होगा। ये होती है कॉलेज लाइफ, ठीक है? थोड़े हाँ है सिंसियरली, थोड़े होते हैं, थोड़े ऐसा नहीं है, कई ऐसे दोस्त हैं जो होते हैं। इधर ही आके गिर रही हूँ पता नहीं क्यों, ठीक है? तो हाँ मेरे कुछ खास दोस्त नहीं, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। कूल रहना, बस बिंदास रहना, खाना पीना सोना, यही है हमारा, क्या बोलते हैं पता नहीं, राइमिंग वर्ड कोई मिला नहीं तो मैंने बोल दिया। नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि कॉलेज में ऐसा बहुत अच्छा सर्किल होगा, मेरे फ्रेंड्स ऐसा सब कुछ, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं होता है, जो आपके पहले के स्कूल फ्रेंड्स होते हैं अगर वो कॉलेज में आ गए तो और अच्छा होता है, वो लाइफ बहुत सेट होगा आपका। 2-4 ईयर्स जो भी होगा वो अच्छा रहेगा, बहुत आड़ी, बहुत एकदम खिड़की तोड़ रहेगा। अगर कुछ कोई दोस्त ना मिले तो गेम्स को ही दोस्त बना लो, मेरा चैनल को दोस्त बना लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? अरे यार मैं खुद की प्रमोशन ना करूँ तो क्या करूँ बोलो। लाइफ में बहुत सारे चीज़ें हमें झेल रहे हैं, तो इसको भी झेलना हमारी ज़रूरी है। मैं आ रही हूँ, इधर ही फंस रही हूँ पता नहीं क्यों। चलिए खेलते हैं, अभी इस लेवल को मैं तो क्रॉस करके ही रहूँगी। लग गया लग गया लग गया लग गया, भी नहीं लगना चाहिए। आप देख रहे होंगे ये कितना स्लो खेलती हूँ। लगते लगते गिर गई, 28% ही खेला है मैंने अभी तक। चलो आप सजेस्ट कर देना, अगर कोई गेम मुझे खेलना है कि आपको पसंद है, उसको भी आप चाहते कि मैं खेलूं, तो उसको लगना भी नहीं चाहिए क्या है यार। अभी बहुत केयरफुली जाना होगा, जैसे बहुत केयरफुल में इस गेम को आपको दिखाया जा रहा है, लाइफ में भी आपको बहुत केयरफुली फ्रेंड्स बनाना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है कि सब कोई आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि सब कोई आपका फ्रेंड नहीं बन सकता है।
लेकिन आपको सोच समझ के फ्रेंड्स भी बनाना चाहिए। ये मैं इसलिए बोलूँ कि आप बाद में उसके लिए रिग्रेट ना हो। वो ऊपर जाता अगर थोड़ा देर में रहती। चलो कोई नहीं, आज इसको खत्म कर लेंगे। इसका म्यूजिक भी चेंज हो गया गाइस, पहले अलग होता था। मैं इधर ही गिरी हूँ आके। चलिए अभी गेम पर फोकस करते हैं। ओह गॉड, मैं बहुत बहुत नियर था, नियर, बहुत नियर। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं इतना सिंपल को भी नहीं कर पा रही। चलिए, वो उसने मेरे बीच आकर बहुत बुरा किया, क्यों पता नहीं। कभी कभी अच्छा आता है, कभी कभी अच्छा नहीं आता है। चलिए थोड़ा मिस हो गया, थोड़ा थोड़ा। जा जा के इधर गिरे फिर से। मैं इससे गिर गई, सीरियसली मैं इससे गिर गई। ये तो मेरा पहले सीजन से ही दुश्मन था। दुश्मन नहीं मतलब इतना मारने वाला नहीं, मतलब बीच बीच में आता है तो गुस्सा आता है।
ओ गॉड, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। पता नहीं ये कब होगा, आई थिंक ये दूसरे पार्ट में होगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, राधे राधे।